गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अभी तक के वीडियो में जो हमने बात की आपसे वो था हम कैसे वन टेबल क्वेरी डिज़ाइन करते हैं। अब स्टूडेंट्स हमको बात करना है मल्टी टेबल क्वेरी कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो स्टूडेंट जब भी हमारा डेटा अलग अलग टेबल्स पे होता है, अलग अलग टेबल्स में होता है, वो सभी सेम फील्ड से रिलेटेड होते हैं। और इसको हम कहते क्या हैं स्टूडेंट्स, ये होता है हमारा सेटिंग रिलेशंस। जो ये कॉमन फील्ड्स होती हैं वो हमारी नॉर्मली प्राइमरी की होती हैं। तो स्टूडेंट्स उसे हम कहते हैं दिस कॉमन फील्ड्स आर यूजुअली प्राइमरी की, मींस इन फील्ड्स को हम लोग प्राइमरी की कहते हैं। इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, किसी एक टेबल की प्राइमरी की दूसरी टेबल में एक फॉरेन की होती है। दूसरी टेबल में हम उसे फॉरेन की के नाम से जानते हैं। और जो फॉरेन की होती है वो एक वैल्यू होती है जो कि मैच करती है किसी प्राइमरी की मींस दूसरे टेबल की प्राइमरी की से। अब स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम स्टूडेंट्स इस पर बात करते हैं आपका कैसे करते हैं, शायद आपको उससे समझ में आ जाए, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको स्टूडेंट्स लाइक मैं आपको समझा सकता हूँ, समझाते हैं। चलिए फर्स्ट अगर हम लोग आज यहाँ पे हैं, यहाँ पे हम लोग इंडिया के हैं, हम लोग इंडिया के प्राइमरी सिटीजन्स हैं। अब वहीं हम लोग हमारे लिए अमेरिकन्स फॉरनर हैं, लेकिन हम अमेरिकन्स के लिए हम क्या हुए? अगर हम यहाँ से अमेरिका में जाएँ तो अमेरिकन्स वहाँ के सिटीजन्स होंगे और हम लोग उनके लिए फॉरनर्स होंगे। ये सब होता है स्टूडेंट्स, सेम यहाँ पे भी है, किसी एक टेबल की दूसरी के लिए, दूसरे टेबल के लिए फॉरेन की है एंड उस टेबल की प्राइमरी की जो है वो दूसरी टेबल के लिए फॉरेन की है। अब स्टूडेंट्स कहते कैसे क्रिएट कैसे करते हैं ये देखते हैं। क्रिएट पे गए हम लोग सबसे पहले, वहाँ से क्वेरी डिज़ाइन बटन पे गए, फिर वहाँ पे शो टेबल डायलॉग बॉक्स का ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आपको क्या करना है, दोनों टेबल्स को ऐड कर लेना है। फिर दूसरी टेबल के लिए भी हमको सेम करना है। जो दोनों टेबल्स होंगी आपकी वो ऑब्जेक्ट रिलेशन पेन में शो करेंगी। जो हमारा डेटा है उसमें फील्ड आईडी जो होगी वो सभी एंड फील्ड प्रोडक्ट कोड फ्रॉम टेबल टू आर सेम, ये सभी हमारे सेम होंगे। हमें क्या करना होगा, हमें इन दोनों टेबल्स की लिंक्स को ऐड करना पड़ेगा। ड्रैग द, अब कैसे करेंगे ये, इसे हम लोग जो कहते हैं मीन्स हमको फील्ड आईडी को जो होगा दूसरे में प्रोडक्ट कोड से हम लोग को लिंक करना पड़ेगा। ये जो लिंक करते हैं इसे क्या कहते हैं हम लोग, रिलेशनशिप क्रिएट करना, ठीक है स्टूडेंट्स। अब फोर्थ नंबर पे हमारा जो स्टेप है वो क्या है, क्लिक ऑन द आईडी फील्ड, हमने उस पर क्लिक किया। कीप योर लेफ्ट माउस बटन प्रेस्ड, हमने बटन को प्रेस किया गया, उसको ड्रैग करना है उठाकर, उसको हमको किस पे पेस्ट करना है मींस हमने उसको लाइक उस पर क्लिक करते करते उसको उठा के लाना है और प्रोडक्ट कोड पर रख देना है। उसके बाद जो आपको ये बीच में लाइन दिख रही है स्टूडेंट्स टेबल्स के, ये आपको शो करेगी और इसके शो करते ही आपका क्लियर हो जाएगा कि आपने ये क्रिएट कर लिया है। अब फिफ्थ में है, इन द टेबल विंडो डबल क्लिक द फील्ड नेम्स यू वुड लाइक टू इंक्लूड इन योर क्वेरी। अब जिन जिनको हमें डबल क्लिक कर मीन्स जिनको भी हमें करना है जो क्वेरी में हमको चाहते हैं हम लोग, उनको हमें डबल क्लिक कर लेना है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जैसे ही हम लोग उस पर क्लिक करेंगे वो सभी डिज़ाइन ग्रिड में आपको दिखाई देंगे। हमको क्या क्या करना है, नेम एरिया आईडी एंड क्वांटिटी पे हमने क्लिक कर दिया। गो टू क्राइटेरिया फील्ड नंबर अंडर आईडी टाइप लाइक वन, हमने ऐसे क्लिक किया, क्लिक रन,
जैसे ही आप रन पे क्लिक करोगे आपका ये सब ओपन हो जाएगा, आपके रिजल्ट्स क्वेरी के आपके सामने आ जाएंगे। अगर स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ें समझ में ना आई हो तो आप मुझसे दोबारा अपने व्हाट्सएप पे हमको आपके ग्रुप में मैसेज डाल दीजिएगा एंड मैं आपको दोबारा इसका एक वीडियो बना के आपको समझा दूँगा। इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम इतना ही रखते हैं और आपसे आगे की वीडियो में हम फिर बात करेंगे। थैंक यू।